नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मदनपुर खादर रोड पर। ये जो पुलिस बूथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी थोड़ी सी हैरत हो सकती है। जी हाँ, जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये जो पुलिस बूथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बीते दिन यानी कि कल सुबह यहाँ पर एक लाश मिलने से जो है हड़कंप मच गया। इस पुलिस बूथ के अंदर एक युवक का पंखे से लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जी हाँ, इस इलाके में जो है सनसनी सी फैल गई कि उस युवक की अभी तक कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। वो व्यक्ति यहाँ पर अंदर गया कैसे और उसने कैसे जाकर अपने आप को जो है फांसी पर लटका लिया, ये यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। हैरान कर रही है ये बात कि जब ये पुलिस चौकी बाहर से बंद थी तो वो व्यक्ति कैसे अंदर गया, कैसे उसने जाकर अपने आप को पंखे से लटका लिया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल पुलिस बूथ के पड़ोस में ही काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। जब हमने जाकर इनसे बातचीत करने की कोशिश की ये कि आखिर जब कल ये मामला सामने आया था, ये वारदात सामने आई थी, तो क्या इनमें से कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद था, लेकिन आपको बता दूं कि हमें नहीं पता किस कारण से, लेकिन इन लोगों ने जो है कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। और साथ ही आपको बता दूं कि इन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि ये कल यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी रेड़ी सुबह लगाई ही नहीं, किसी ने कहा कि वो छुट्टी पे थे, किसी ने कहा कि वो तो यहाँ पर शाम को आए थे और ये जो मामला है वो सुबह 8:30 बजे का है, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग एक ही ज़ुबान बोलते नज़र आए कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, ये जो मामला है सुबह 8:30 बजे का है। किसी ने कहा वो यहाँ 8:30 बजे था ही नहीं, किसी ने कहा वो शाम को आया, और किसी ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ पता ही नहीं है। देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पुलिस चौकी आप देख रहे हैं, पुलिस बूथ यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ़िलहाल जो है बंद नज़र आ रहा है। लेकिन फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि एक अज्ञात व्यक्ति के पास इसकी चाबी कैसे आई, क्योंकि जो लोगों ने बताया है कि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ताला लगा था, और जब सुबह वो लोग यहाँ पर आए यानी कि पुलिस वाले जो है सुबह यहाँ पर आए, तो उन्होंने आकर जब ताला खोला और उसके बाद जो है उस व्यक्ति का यहाँ पर शव देखने को मिला, जिसके बाद जो है यहाँ पर सनसनी फैल गई, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि इस पुलिस चौकी की जो है, इस पुलिस बूथ की चाबी जो है उस व्यक्ति के पास कहाँ से आई और कैसे आकर उसने यहाँ पर फांसी लगा ली। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, देखिए अगर आप थोड़ा सा आगे चल कर आएंगे मेरे साथ तो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि जो पुलिस बूथ जहाँ पर स्थित है उसके आसपास के इलाके की बात की जाए तो आप देखिए कि एक चलता फिरता रोड यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अगर उस साइड कैमरा घुमाया जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो रोड है अच्छा खासा चलता फिरता आपको नज़र आएगा। देखिए, अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। अमूमन क्या होता है, जो वारदातें होती हैं वो कहीं बाहर हुआ करती हैं तो जो है पुलिस वहाँ पर जाकर कार्यवाही करती है, लेकिन इस मामले में पुलिस क्या करेगी, ये जो वारदात हुई है, ये जो घटना हुई है पुलिस बूथ के अंदर हुई है, यानी कि अब पुलिस वालों के लिए ये दुगनी चुनौती साबित हो सकती है कि पुलिस वाले कैसे पता लगाएं कि पहले तो वो व्यक्ति है कौन, उस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, फिर उसके बाद कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया कैसे और उसने यहाँ पर आकर किस तरह से जो है अपने आप को पंखे से लटका कर मारा है, या उसे मार कर यहाँ पर कोई छोड़ गया है, या जो भी उस व्यक्ति के साथ हुआ है। पुलिस वालों के लिए अभी एक चुनौतीपूर्ण जो आप कह सकते हैं वारदात है वो है, पुलिस वालों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा एक मामला है जिसे सुलझाना पुलिस वालों के लिए एक चुनौती साबित होगा। अब देखने वाली बात इस मामले में ये होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी जो है इस गुत्थी को सुलझाता है और इस मामले में जितनी भी कड़ियां हैं उन्हें जोड़कर जो भी निष्कर्ष निकलता है वो बताता है। देखिए, इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम अब तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि हम दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को कवर करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।